हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं हम सबकी फेवरेट मोमो चटनी रेसिपी लेके आई हूँ, जो सबकी फेवरेट होती है। ये सबको बहुत टेस्टी और यम्मी लगती है। इसको बनाना बहुत ही इजी है। आइए मोमो चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। मोमो चटनी बनाने के लिए बहुत ही कम सामान की ज़रूरत पड़ती है। मैं 10 से 12 लहसुन की कली ले रही हूँ, आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 7 से 8 मिनट लाल मिर्च ले रही है मैंने, 3 टमाटर लिए हैं। आइए हम चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने गैस पर एक बर्तन रख दिया, उसके अंदर पानी ऐड कर रहे हैं। हमें टमाटर और लाल मिर्च को इसके अंदर डालकर बॉईल करना है 5 से 10 मिनट के लिए। अगर पानी गर्म होगा तब तक हम टमाटर में हल्के से कट लगा लेंगे, जिससे हमारे छिलके इजीली आराम से निकल जाएं। इस तरह से कट लगाना है, पूरा नहीं कट करना, बस हल्का सा कट लगाना है। हमें इस तरह से साइड टमाटर, तीनों टमाटर मैंने कट लगा लिए हैं। हमारा गर्म होना स्टार्ट हो गया है, इसके अंदर हम टमाटर ऐड कर रहे हैं, मिर्च भी ऐड करेंगे इसी में, और इसको 5 से 7 मिनट तक पकने देंगे। हल्का सा उबाल लाएंगे जिससे हमारा छिलका आराम से निकल जाए। देखिए फ्रेंड, 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, हमारा अच्छे से बॉईल आ चुका है पानी में, छिलका बिल्कुल अलग हो चुका है। मैं आपको उसको निकाल कर दिखाती हूँ। आप इस तरह से छिलके निकाल सकते हैं, कट लगाने से हमारे छिलके बहुत ईजीली निकल जाते हैं। टमाटर को कट करेंगे, देन इसको जार में ऐड करना है। इसके अंदर अदरक ऐड कर रहे हैं, लहसुन की कली ऐड कर रहे हैं, इसका स्मूथ पेस्ट तैयार कर लें। मैंने एक पैन रख लिया है गैस पर, उसके अंदर 1 स्पून में ऑयल ऐड कर रही हूँ। लहसुन मैंने बहुत बारीक चॉप करके रखा था, मैं वो ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से भूनना है। लहसुन अच्छे से भून चुका है, इसके अंदर जो हमने पेस्ट बनाया वो ऐड कर लेते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लें और 2 से 3 मिनट के लिए पकने दें। देखिए गाइस, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, हमारी चटनी बिल्कुल रेडी है। मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। आइए मैं आपको उसको सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, हमारी बहुत कम समय में बनने वाली मोमोज चटनी बनके बिल्कुल रेडी है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तब तक आप मोमो रेसिपी के साथ एंजॉय कीजिए। हम कल फिर आएंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय, टेक केयर गाइज़।